सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो अपनी कम्युनिटी में जाके पोस्ट शेयर करते हैं ना, अब मैं भी पोस्ट शेयर कर रहा हूँ तो आप स्क्वायर में कैसे शेयर कर सकते हैं। अभी हम जो नॉर्मल पोस्ट करते हैं ना कम्युनिटी में जाके, देखें दोस्तों मैं आपको कम्युनिटी में लेके चलता हूँ। देखिए मैंने कुछ दिन पहले शेयर की, इसमें मैं क्या करता हूँ, मिसाल तरफ इधर लिंक दे देता हूँ, इधर थंबनेल नज़र आता है, इस तरह नीचे भी लेके चलता हूँ आपको। देखें सेम ऊपर लिंक नज़र आता है, नीचे थंबनेल नज़र आता है। तो ये मुरब्बा शेप नहीं है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आप मुरब्बा शेप में किस तरह कर सकते हैं, स्क्वायर शेप में आप किस तरह अपने थंबनेल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ताकि जो व्यूअर है आपको उनका जो ये लिंक है वो नज़र आए और अच्छा लगे और आपकी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इस तरह आपके व्यूज़ भी इंक्रीज़ होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आप जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं ना थंबनेल बनाने के लिए उसमें आ जाना। मैं पिक्सेल ऐप इस्तेमाल करता हूँ, ये पहले से है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, नया लेके आता हूँ, इधर आ जाए। देखें दोस्तों आपने क्या करना है दोस्तों, इसको डिलीट कर देना है। पहले डिलीट करने के बाद दोस्तों थ्री डॉट में आ जाना, थ्री डॉट में आने के बाद दोस्तों आपने इमेज का साइज़ ले लेना है, इधर आके अपने स्क्वायर को सिलेक्ट कर देना है, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इधर कलर इसका चेंज कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ी इधर कर देता हूँ। कलर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, मैं ये वाला कलर लगा रहा हूँ, आप कुछ भी लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इधर प्लस के निशान में आ जाना है, प्लस के बाद आपने गैलरी में जो भी आपने थंबनेल बना के रखा ना अपने उधर से सेलेक्ट कर लेना है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, इसको ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा नीचे के सीट के ले आए, आप अपने आइडिया से लें, फिर आपको इसको ऐसे कर रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, सेंटर में लें, ये ऐसे हो गया दोस्तों। तो फिर दोस्तों ऐसे जब हो जाएगा फिर आपने क्या करना है दोस्तों, इधर आपने टाइप करना है टेक्स्ट, इधर लिख देना है दोस्तों क्लिक द अबव लिंक, ऐसे टाइप कर देना है दोस्तों। फिर एक साथ इमोजी रहता है आपने वो सेलेक्ट कर देना है, जिसमें जो ऊपर का निशान नज़र आता है, आप कोई भी लगा सकते हैं, मैं ऐसे वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे जब आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप कोई कर सकते हैं। ये दोस्तों आ गया, अभी इसका हम साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि थोड़ा देखने के लिए नज़र आए। अभी ये कलर तो सारा मैच कर रहा है, इसका मैं कलर भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि नज़र आए। देखें दोस्तों ये कलर जब चेंज हो जाएगा फिर आपने दोस्तों क्या करना है, इसको सेव कर देना है, इधर थ्री डॉट में आ जाना है। थ्री डॉट में आने के बाद दोस्तों इधर इमेज का साइज़ मिलेगा आपको, इमेज साइज आने के बाद आपको इधर स्क्वायर ओके शेयर सॉरी इधर दोस्तों हाथ भी लग गया, फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजर रहा था, शोर बहुत आता था, इसलिए मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर गुजर रहा था इसलिए शोर बहुत आता था, मैंने इसको रोक दिया था दोस्तों। अभी ये सेव हो गया आपका थंबनेल। फिर आपने क्या करना है दोस्तों, अपने अपने चैनल में आ जाना है, सिंपल सा जैसे आप पहले करते हैं। आप जिस वीडियो का लिंक लगाना चाहते हैं आपने वो लगाना है पहले। अभी मैंने जो थंबनेल बनाया हुआ है मैंने उसके मुताबिक ही लगाना है। ये 16 घंटे बाद पहले वाली वीडियो, इसको मैं करता हूँ कॉपी लिंक। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इधर कम्युनिटी में आ जाना है। कम्युनिटी में आने के बाद दोस्तों आपने प्लस के आइकन में दबाना है, प्लस में दबाने के बाद फिर आप क्रिएट पोस्ट जैसे पहले करते हैं सेम तरीका। ये लिंक आ गया, मतलब जो मैंने किया। उसके बाद दोस्तों इधर आपने पेस्ट करना है। तो दोस्तों ये लिंक आ चुका है, इधर आपने लिख देना है न्यू वीडियो या लेटेस्ट वीडियो भी लिख सकते हैं आप, आपको जैसे सा लगे आप ऐसे लिख सकते हैं, आप लेटेस्ट वीडियो भी लिख सकते हैं दोस्तों। ये लिखने के बाद आपने इधर जो आपने लिंक पहले कॉपी किया था ना इधर पेस्ट कर दें, तो फिर दोस्तों आपने पोस्ट कर देना है। अभी ये सेव हो रहे हैं, अभी इसको व्यू करते हैं। अभी देखें दोस्तों मैंने पीछे भी लिंक लगाए थे, देखें कम्युनिटी में, इसमें और आप इसमें देखें कितना फ़र्क है। देखें ऊपर लेटेस्ट वीडियो भी मैं लिख दिया और मैंने ऐसे क्लिक दबाव लिंक भी लिख दिया, इमोजी भी लगा दी और मैं स्क्वायर शेप में अपना जो है ना थंबनेल भी बड़ा लेके आया हूँ। तो इस तरह लोग देखते हैं ना दोस्तों, इस तरह ज़्यादा क्लिक करने के चांसेज होते हैं और आपके व्यूज़ भी ज़्यादा आ सकते हैं और आपका जो वॉच टाइम है वो भी आसानी से पूरा हो सकता है। ओके दोस्तों उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई, पसंद है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उससे ये होगा ना जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।